पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से चैतन्य देवियों की झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हिमगिरी पार्षद प्रिया सिंह रही, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर एवं रिबन काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आरती भी की गई, जिसमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों और सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का आयोजन नवरात्र पर्व के अवसर पर किया गया है और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर पार्षद प्रिया सिंह ने कार्यक्रम की सराहना की और सभी से कार्यक्रम में आने की अपील करते हुए धन्यवाद करने की बात कही। एवं ब्रह्म कुमारी संस्था की सभी भाई बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नवरात्रि के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक चैतन्य झांकी का राजयोग मेडिटेशन चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसको देखकर और समझने के बाद हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं तथा समय व परमात्मा की सही पहचान प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी सभी हिमगिरी निवासी भाई बहनों से ज्यादा संध्या में आकर इसका लाभ प्राप्त करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर नवरात्रे जो कि नौ देवियों के यादगार में मनाए जाते हैं, तो पूरे विश्व और पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही उमंग उत्साह और भावनाओं के साथ सभी भक्त व्रत भी रख रहे हैं, जागरण भी कर रहे हैं और व्रत करके और उनके दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रों के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसके साथ साथ आप सभी हिमगिरी निवासी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। और हम आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि आप सभी जो कि आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये चैतन्य देवियों की झांकी और राजयोग मेडिटेशन पथ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इसको सुने, समझें और मन की शांति प्राप्त करें। तो यही सबसे अनुरोध रहे।